मैं वकील हूं, वो डिमार्केशन रिपोर्ट इलीगल थी और वही बात आज एलजी साहब ने मानी और उसके आधार पे एलजी साहब ने डीडीए के वाइस चेयरमैन को कहा कि इसको रोक दिया जाए। केजरीवाल जी सही कह रहे हैं, सोमनाथ भारती सही कह रहे हैं, नरेश यादव सही कह रहे हैं, जिंदाबाद कह रहे हैं। ये बात आज एलजी साहब ने मानी, डीडीए को बताया कि फिर से डिमार्केशन होगा, फिर से डिमार्केशन होगा। और ये बहुत बड़ी त्रासदी जो पूरे महरौली पे आई थी। अरे रुको एक मिनट, आई गांधी जी को रुको यार, अब तो हो गया, अब हो गया, रुको एक मिनट। अब ये डिमार्केशन मैं बता दूं, हमारे पुलिस के साथी हैं, देखिए सबके दिल में ये मलाल तो था कि घर नहीं टूटना चाहिए। पुलिस के साथियों के दिल में भी बहुत तकलीफ थी, वो कह नहीं पाए चूंकि वो ड्यूटी पे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस कांड से खुश नहीं था। आज सत्य की जीत हुई है, डिमार्केशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मिसयूज किया गया और बगैर जनता को इन्वॉल्व किए डिमार्केशन किया, ये गलत था। जब आज इनको लगा, क्योंकि कल जो हमने बात कही थी, बड़े बड़े दुख के साथ कहता हूं, देखिए जनता ने मुझे चुना है, आपने मुझे चुना है, जनता ने नरेश को चुना है, जनता ने केजरीवाल जी को चुना है, जनता ने एलजी साहब को नहीं चुना। वो कह रहे हैं, मैंने कहा कि भाई क्या इरादा है, एलजी साहब कह रहे दिल्ली साफ करेंगे, अरे दिल्ली के साफ कर देंगे भाई। तो आज ये मैं समझ पाता हूँ, रुके, आज आपकी जीत हुई है, आपने आपको काफी तकलीफ हुई उसके लिए माफी, लेकिन सत्य की जीत हो गई। देखो यादव जी के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनको तकलीफ। अरविंद केजरीवाल।